हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अभी हम जा रहे हैं भटिंडा। अभी हम पहुंच चुके हैं नेर चौक में। यहाँ से हम रिसीव करेंगे खिनू दीदी के सासू को। वो भी हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल में छुट्टियाँ हो रही है, तो वो दीदी के साथ ही जाएंगे। तो अब हम उनको लेने जा रहे हैं। हम पहुँचने वाले हैं नागचला के पास। यहाँ पे हमें वो मिलेंगे और यहाँ पे है उस्ताद जी। तो सुबह सुबह कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। मजा आने वाला, आज गाड़ी को बहुत भगाने वाला हूँ। ऐसे तो आप सपने ही देखिएगा, मैं आपको भगाने नहीं दूंगी गाड़ी। तो वहाँ पे खड़े हैं आंटी जी और अंकल। ये रेन की गाड़ी, ये है आंटी जी। अभी हम इनका सामान वगैरह डालेंगे। तो यहाँ पे अभी सामान वगैरह डाल रहे हैं। डिक्की खोलो, डिक्की आगे वाला, आगे वाला। अरे ये है अंकल जी। थोड़ी देर हुई, आ जाओ आंटी जी। तो यहाँ पे आंटी जी हमारे साथ में मिल गए हैं। अब हम चल पड़े हैं भटिंडा। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे नया 4 लेन जो कि चंडीगढ़ टू मनाली बन रहा है। अभी हम थोड़ी ही देर में हमें कुछ टनल्स देखने को मिलेगी, तो दिखाएंगे आपको। अभी भी आप 4 लेन पे ही हैं, ये भी वही है, तो 4 लेन ही है ना। आगे से ना सेपरेट हो जाता है, फिर पुराने वाले रोड से अलग हो। टनल्स, बेसिकली टनल्स दिखाएंगे। आज हम टनल से होते हुए जाएंगे। इससे डिस्टेंस कितना कम हो जाता है चंडीगढ़ के लिए? काफी कम हो गया, तो एग्जैक्टली पता नहीं। अब टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा अब चंडीगढ़ के लिए। जहाँ पहले 4 या 5 आवर्स लगते थे, अब 5 to 6 hours। हाँ, 5 to 6, शायद 3 to 4 hours के बीच में लगेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ से सेपरेट हो गया। पहले इस तरफ से जाते थे ऐसा, पता नहीं आगे से फिर सो जाएंगे। अब कई जगह नहीं बनाए बीच में एक्चुअली। हाँ, और यहाँ से होगी पहली टनल स्टार्ट। हाँ, अब हमें देखने को मिलेगी टनल। हरा बाग वाली टनल है। अच्छा, वाओ। यहाँ से चंडीगढ़ 130 ना, दूसरे वाले शायद 180 है, 150 फर्क। टनल नंबर 5, वाओ। अच्छी बनी है टनल है ना, बहुत अच्छी लाइटनिंग प्रॉपर है। ये तो छोटी लगी शायद, छोटी है, छोटी कोच हो गई खत्म। कहाँ से होते हुए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बना है 4 लेन और बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही। आप पहले आए थे साइड से कि नहीं? आप भी आ जाए ना, पिछली बार नहीं हुआ था ओपन। बहुत अच्छा है, मतलब जितना भी ट्रैफिक हो कोई इशू नहीं है और इधर उधर भी काफ़ी अच्छा व्यू है, साथ में छोटे छोटे विलेजेस हैं। पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के बीच से जा रहा है 4 लेन। हमें स्टार्टिंग में ही 4 लेन से जाने का मौका मिल गया ना,
अभी तो है इसका सेकंड, अभी सेकंड टनल आ गई, नंबर फोर टनल है ये वैसे, फिफ्थ पिछली हमारी इस तरफ से फोर है ना, पर दिस इज 5.5 किलोमीटर। हाँ अच्छा, नहीं ये नहीं है, दिख तो रही आगे, छोटी सी है। हाँ छोटी, 5.5 किलोमीटर नंबर होगा शायद। बहुत सुंदर है, लाइटनिंग है, बहुत अच्छी है ना, छोटी में लाइटनिंग प्रॉपर, और थोड़ा परली साइड से भी है लाइट, ज़्यादा बड़ी टनल में होता है अंधेरा, आउट वाली टनल दिख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, डॉन ड्राइव, और ये हमने दूसरी टनल भी क्रॉस कर ली, इसका एग्जिट है ये। हाँ इतनी ज़्यादा स्पीड मत रखो मेरी सांस से अटक गई है, इतनी 80 काफ़ी है, आपने 115 कर दी थी रोड के हिसाब से स्पीड। ये क्या हो गया सामने क्या? हाँ वो यार गाड़ी में आग लगी, टकराई भी छोड़ी गाड़ी। हाँ शायद, हाँ आराम से चलो। तो यहाँ पे हमें थर्ड टनल मिलेगी, और यहाँ पे देखो आई लव महादेव, हाँ पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है टनल के फ्रंट पे, इसमें लाइट है नहीं, इसमें बंद की होगी लाइट, या तो भी शुरू नहीं की है, लाइट तो है इसमें ना। हाँ लगी तो है पर स्टार्ट पता नहीं क्यों नहीं की, ये पूरे ऑट टनल की तरह। ये कहाँ से आया? परली साइड से जाना था इन्होंने। हाँ इस तरफ को ग्राउंड है, ग्राउंड तो क्या ही होगा, पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन रोड पे कुछ काम चला था, जिस वजह से हमें लिंक रोड लेना पड़ा, और इस पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा, कम से कम हमें यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया स्वारघाट के आसपास है। हाँ स्वारघाट के आसपास पहुँचने वाले हैं, हम स्वारघाट के पास। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं स्वारघाट, क्योंकि रास्ते में जो नया फोर लेन है थोड़ा शायद उसमें काम चला होगा तो बंद था, इसलिए हमें वहाँ से कलिंक रोड में डाल के अभी हम पहुँचे स्वारघाट, और वहाँ सामने भारतीय ले रही है कुछ फ्रूट्स, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कैसे रहता है आगे का सफर। तो यहाँ पे आंटी जी जो है वो फूलों की बहुत ज़्यादा शौकीन है, बोल रहे हैं कि ये निकाल दो हम ले जाएंगे चंडीगढ़, हम दीदी के पास ले जाएंगे इनको, और फिर फ्रिज में रखेंगे, देखो खुद निकल गए बाहर। अब ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है, पेड़ है, एक तरह पेड़ पे लगे हुए सुंदर सुंदर फूल आंटी जी ने घर में भी बहुत ज़्यादा फूल लगाए होते हैं अपने घर में। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो गई है गर्मी से बस। यहाँ पर केतपुर के पास हम रुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि ये जो भारतीय है ना ये एकदम से बीमार हो जाती है। क्या हुआ आपको? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, तो पानी पियो फिर, हाइड्रेट होने के लिए पानी। अच्छा गन्ने का जूस है। पंजाब में जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुरे हाल से। देख सकते हैं यहाँ पे रोड का
कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का सीधा ही है ना, और साथ में खेत खाली हो चुके हैं, अब नई फसल की तैयारी में है। और इस तरफ आप देख सकते हैं गुरुद्वारा, मतलब व्यू तो इतना जबरदस्त है। गुरुद्वारा ही है ना ये सामने, निकर डाल के आए हैं भाई ड्राइवर पूरे उस्ताद वाली फील ले रहे हैं आप के बीच में से। मैं तो कब चला पाऊंगी इतने फास्ट गाड़ी, मैं तो चलाती रेस लगी है हमारी। वाओ बहुत लंबी है, थोड़ा सा देख लेते हैं ना रुक के। तो रुक के क्या देखनी, ऐसा दिख रही है हम आगे हैं, ट्रेन आगे हो रही है हमसे, ज्यादा स्पीड नहीं स्पीड। देख लेते हैं वो लोकेशन भी कट गई, देख देखनी एक मिनट के लिए, देख लो खड़ी हो गई है। हां तो रुक जाओ, तब तो फोटो फाटो ले लेंगे। यहां बहुत टाइम द्वितीय श्रेणी नंबर पड़े हैं बहुत अच्छी। कहीं खड़े क्यों हैं? तो यहाँ पे खड़ी है एक मालगाड़ी, और अभी अभी हमने ट्रेन यहाँ से निकलती हुई देखी, और ये रही ट्रेन की पटरियाँ। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे है क्रॉसिंग और वो खड़ी है मालगाड़ी। ये जल्दी कब होगी? अरे इसमें से माल लोड और अनलोड हो रहा है ना, हाँ तो पूरा हो जाएगा उसके बाद लग जाएगी यहाँ से। हाँ अभी तो लोडिंग और अनलोडिंग तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं टाउनशिप। यहाँ पे है जीजू का फ्लैट, ये खोल दिया अभी इन्होंने है ना, तो गाड़ी रजिस्टर्ड है। हाँ नेक्स्ट में अपने अगर हमारे वाले तो उसमें मेल करना पड़ती है, यहाँ से तो पता होगा आपको, यहाँ से तो ऐसे इस तरफ हुआ है कहीं। हाँ ऐसे ही चलो सीधे सीधे चलो ना, फिर आगे से होते थे ऐसे को टर्न, यू नो आई आल्सो नो 25 से ज्यादा रास्ते का। ईमेल आ जाएगी तो शाम को 27 हो गई तो आपकी। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और हमें मिल नहीं रहा है कहाँ है फ्लैट, पीछे हो रहा मुझे तो जो फर्स्ट उस पे था, ये यही तो नहीं है यहाँ पे, यही है मुझे क्यों आ रही है आपको याद आ रही है कब से? हाँ यहाँ है 213 से 228, हाँ यही तो है 15 है 16 परे वाला है। पहुँच गए फाइनली, वो खड़ी गाड़ी है। कहाँ है गाड़ी? जो खड़ी है ये है हमारी ब्रेजा और हम पहुँच गए फाइनली। अब यहाँ गाड़ी को पार्क करेंगे और उधर से बुरांश भी आ रहा है हाँ जी
मामी को ही देख रहा है ये, कहाँ है मामी? मोटू मोटू मोरू क्या क्या बोल रहे हो उसको? सही किधर है उठे हुए? नहीं वो ही हो गया, सन्नी हो गया। हाँ चार तो रहा है, बुराश देख रहा है दादी को, दादी को देख रहा है, बुराश देख रहा है। देखे देखे लग रहे हैं कहीं? अब देखेगा वो रांश, वो रांश। टिक 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 टिक। जाओ दादी पास जाओ, दादी पास जाओ। ये तो चश्मा ले तो मम्मी जी तो नहीं आएगा। और यहाँ पर है मेरी गाड़ी, पहले तो गाड़ी को देख के आते हैं। गाड़ी की चाबी लाई तूने? कंडीशन तो इसकी कुछ ठीक लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी है, तो आप देख सकते हैं। बट फाइनली आई मिस यू। तो कल तक इसकी सफाई करवाएंगे और फिर इसको लेके जाएंगे घर वापस। चलते हैं वापस अपने वोरू के पास। हाथ पैर सारे मोटू मोटू फाइनली हम पहुंच गए हैं बुराश के पास। और बुराश पहचान नहीं रहा है अभी हमें, है ना? ओ देखो 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 मामी को ने, देखो मामी और बुराश बराबर गोरे हैं, आप काले लग रहे हो बीच में। आ गए बापी बापी बापी। बुराश के घर में पहुंच गए, बुराश के घर में आ जाओ अंदर, यहां मेरे चप्पल वगैरह यहां पे उतार लो, एक चप्पल ये पहन लो, मैं से तो साफ सुथरा है। चल अब पहुंच गए बुराश के रूम में। ये ओ मेरा मोटू, कितना चुटकू है तू, कोई नहीं मेरे इतने पर। बुराश है अपनी मामी के साथ। बुराश वोरांश बठिंडा पहुंचते ही सबसे पहला जो काम होगा वो होगा भोजन का, भोजन का पेट पूजा। पहले पेट पूजा फिर उसके बाद वोरांश के साथ फाइट। तो ये है हमारा खाना, राजमा चावल, साथ में यहाँ पर है दही और बहुत सारा सैलेड, और यहाँ पर हमारी पर्सनल सर्वेंट शेफ बोलते हैं। ओके खाते हैं तो भी।